हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी लेकर। तो आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आलू मेथी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, फटाफट से बन जाते हैं। लहसुन प्याज टमाटर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल से तरीके से, और खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। चलिए बनाना शुरू करते हैं, किस तरीके से मैंने इनको बनाया है और क्या क्या इनमें डाला है। तो देखिए, सिंपली मैंने आलू धो लिए हैं अच्छे से, धोने के बाद इनको मोटे मोटे पीस में कट कर लिया है। तो यहाँ पर आलू कट हो गए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये देखिए, सर्दियों में हमने मेथी को सुखा कर रखा हुआ था, तो ये सूखी हुई जो सर्दियों की मेथी है वो आज बहुत ही काम आने वाली है। हमने ये मेथी ले ली है, इस मेथी को आज हम यूज करके बनाएंगे आलू मेथी की सब्जी। तो इस मेथी को पहले भिगो कर रख दीजिए सिर्फ 2 मिनट के लिए, उसके बाद अच्छे से वॉश करके इस तरीके से छन्नी में निकाल लीजिए, तो ये बिल्कुल ताज़ी मेथी जैसी ही हो जाएगी। उसके बाद कढ़ाई ले लिया है, यहाँ पर इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। अभी सरसों के तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और उसके बाद उसमें हम आगे की जो चीज़ें हमें डालनी है वो डालेंगे। तो यहाँ पर तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें डाल दिया है मैंने जीरा। जीरा बढ़िया से जब चटक जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे आलू। देखिए, आलू मेथी जब भी आप कभी बनाएं तो इस तरीके से जब बनाएंगे तो बेहद टेस्टी बनते हैं और फटाफट से सिर्फ 5 मिनट में बन जाएंगे। 5 मिनट में सब्जी बनाने का ये तरीका बहुत ही बढ़िया है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर आलू को आपको क्या करना है, आलू को पहले अच्छे से ऑयल में भून लेना है, तो इससे सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाता है और सब्जी जल्दी भी बनती है। तो इसमें नमक डाल दीजिए। देखिए, नमक से क्या होता है, नमक से सब्जी हमारी बहुत जल्दी से पक जाती है, तो आपको आलू में नमक डाल लेना और उसके बाद इसको इस तरीके से धीमी धीमी आंच पर भून लेना है, जिस तरीके से कि हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं उसी तरीके से आपको इन आलू को भून लेना है। जब ये आलू 90% तक पक जाएंगे उसके बाद आपको इसमें हल्दी डाल देनी है, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है और धनिया पाउडर डाल देना है। तो यहाँ पर डेली के खाने में हम ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करते हैं और ये थोड़ी सी हींग डाल दी है, बस यही जो सिंपल के डेली के खाने के मसाले होते हैं मैंने वही इसमें डाले हैं और अच्छे से भून रही हूँ इनको। इनको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी और बस। देखिए, जो हम सीजन वाली जो मेथी होती है हरी, उसको पकाने में बहुत टाइम लगता है, उसकी हम डंडी को बार बार चेक करते रहते हैं डंठल को पकी या नहीं, तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है पकने में, उसकी सब्जी भी कुछ चिपचिपी बनती है। लेकिन ये वाली जो मेथी है इसको आपको पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक भाप लगाइए और ये सब्जी हमारी तैयार हो जाती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं आपको, एक तो सब्जी का जब ये वाला सीज़न आता है, इनमें सारी सब्जियां जब काफ़ी महंगी हो जाती हैं, ये सब मेथी जो है सूखी बहुत ही काम आती है और ये बनती भी बहुत जल्दी से है, और इस सीज़न में जब मेथी कहीं नहीं मिलती है तो मेथी का टेस्ट भी आपको मिल जाता है। तो अगर आपके पास हरी मेथी इस तरीके से सूखी हुई नहीं है तो आप कसूरी मेथी भी यूज कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच कसूरी मेथी आलू में डाल दीजिए तो वो भी आलू मेथी की सब्जी बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, एक बिल्कुल बढ़िया सी, बहुत ही सस्ती सी सब्जी और खाने में टेस्टी आपकी बनकर तैयार हो गई है। तो भाई, चलिए ये थी आज की मेरी वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलती हूँ ऐसी ही एक यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।